तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा पति तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, क्या देख करके शादी हुई। तुम अप्सरा जैसी लगती हो, तुम्हारा स्थान तो सिने जगत में होना चाहिए। तुमसे अच्छी हैं क्या वह हीरोइनें? बहुत सुंदर हो तुम, काश मेरी भी पत्नी ऐसी ही होती। ऐसा कहकर के उसने डोरे डाला और बात बढ़ती गई। दोस्तों, आज एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप सबसे, जिसे आप जानकर यह कहेंगे कि संविधान में हमारे अधिकार क्या क्या हैं और पुलिस किस तरह से अपना चेहरा बिगाड़ती है अन्वेषण के नाम पर। अगर पुलिस मेहनत करती तो इस तरह से क्राइम अपराध नहीं बढ़ता, न्यायालय ने क्या कहा है। तो दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी बहुत कुछ कहने वाली है और आप ध्यान से इस वीडियो को सुने। इसमें कानून भी है, इसमें मर्यादा भी है, इसमें लोक व्यवहार भी है और इसमें किस तरह से अपराध छोटे छोटे मामलों को लेकर के बड़े अपराध घटित होते हैं यह भी है। कहीं आप भी तो ऐसे चंगुल में नहीं फंसे हैं? यदि ऐसा कुछ चल रहा है तो सावधान हो जाइए और आने वाली पीढ़ियों को भी सचेत करिए, यह हमारा और आपका धर्म है। मार्केट में गई थी सामान लेने, वह भी मिल गया, वहीं देखा देखी हुई और कुछ बातचीत हुई। नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, बातचीत शुरू होती है। पहले हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट से शुरू होता है और फिर बात बढ़ते 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 10-20 मिनट के बाद घंटों घंटों बातचीत होती है और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। बातचीत होते होते फिर मामला बढ़ जाता है और वह मामला शारीरिक संबंधों तक आता है और फिर एक क्राइम का जन्म होता है। दोनों ने शादीवादी कर लिया, अपना परिवार बसा लिया तो ठीक है, अगर अनैतिक संबंध हैं, अवैधानिक संबंध हैं, तो फिर उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, एक को या दोनों को। दोनों को ही नहीं बल्कि समाज को भी। अब बातचीत शुरू हुई, वह महिला के घर भी गया। महिला ने कहा, ऐसे मत आना, हमारे पति आ जाते हैं, चाय वाय पिलाया चले गए। लेकिन बात और बढ़ती गई, उसका आना जाना हो गया। जब पति नहीं रहते थे तो महिला के घर वो आता जाता था। युवा था, पढ़ा लिखा था, किसी नौकरी पेशे में भी था। अब महिला से संबंध बनते बनते फिजिकल रिलेशन भी हो गए, आना जाना हो गया। अब वह कहता रहा, क्योंकि समय तो मिलता नहीं था, उसके लिए समय चाहिए। समय का मतलब 10-20 दिन, एक आध महीना, दो महीना रहेंगे तो शांत हो जाएगा सब मामला, जो नशा चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। लेकिन वो अवसर मिला नहीं, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, अगर हमारा जीवन चाहती हो तो हमारे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा, छोड़ दो, ऐसा पति तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम हमारे सपनों की रानी हो। और फिर एक रात दोनों निकल जाते हैं। बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कई स्थानों पर रूम लेकर के वह रहता है, जाप करता है और फिर यह सिलसिला 3 साल चलता है। नशा तो महीना दो महीना, साल भर 6 महीने में शांत ही हो जाएगा। फिर कलह शुरू हुआ, कलह के बाद मारामारी तक नौबत आई। महिला जाती है पुलिस में, रिपोर्ट दर्ज कराती है कि हमें बहला फुसला करके इन्होंने बरेली के लाला मार्केट में हमारी मुलाकात हुई थी, ऐसे आना जाना हुआ, हमारे घर यह आने जाने लगे, फिर हमारे मना करने के बाद भी यह बलपूर्वक धौंस दे करके आने जाने लगा, फिर हमें झांसा दिया, शादी का झांसा दिया, कहा तुम्हारे साथ शादी करूँगा, मैं रह नहीं पाऊँगा तुम्हारे बगैर, मैं इसके झांसे में आ गई। और फिर इतने दिनों तक इसने यौन शोषण किया हमारा, यौन शोषण और रेप भी किया। महिला ने अभी कहा कि मैं नहीं चाहती थी, कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी शारीरिक स्थिति आज इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, तो भी हमारे साथ यह बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करता था। बलपूर्वक शारीरिक संबंध अपनी ही पत्नी के साथ नहीं किया जा सकता यदि उसकी सहमति न हो तो। इस मामले में कई एक डिसीजन आए हैं फैमिली कोर्ट से ऐसे भी। तो अब मामला जाता है 2019 में, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है शिवम शर्मा के खिलाफ। मामला चलता रहता है और बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर
अब जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस का काम है अन्वेषण करना। पुलिस ने शिवम शर्मा को पकड़ा और ठेल दिया, अन्वेषण किया। आईओ पुलिस का जो अन्वेषण करता है, जो जांच अधिकारी है, उसने जांच किया और जांच में महिला की बात को पूर्णतया सत्य मानते हुए सब लिख दिया जो महिला ने दर्ज कराए गए अपराध में उल्लेख किया था। अब सब लिख दिया कि कैसे इसने भगाया, कैसे बहलाया फुसलाया, कैसे उसके घर जाता था, कैसे बलपूर्वक रिलेशन स्थापित किया, कैसे शादी का झांसा दिया, कैसे रेप किया, यह सब करते हुए कर दिया। मामला जाता है न्यायालय में और न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। न्यायाधीश हैं रवि कुमार दिवाकर, पूरे मामले को सुनते हैं। पुलिस के जो अन्वेषण अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं। उसके बाद अन्वेषण अधिकारी यानी यह उप निरीक्षक, पीतल की धातु के दो स्टार, नायब दरोगा जिसे कहते हैं, और कुछ लोगों को चार्ज भी थाने का दिया जाता है, चौकी इंचार्ज भी होते हैं, उसके ऊपर 3 स्टार पीतल की धातु का होता है, वो इंस्पेक्टर साहब होते हैं। इंस्पेक्टर किसी को जाँच सौंप देते हैं जिसका हल्का होता है, उसके ऊपर जाँच अधिकारी ने सारा कुछ वैसे ही लिखते हुए भेज दिया आगे। कोतवाल साहब ने भी उसे आगे बढ़ा दिया, जाता है डिप्टी SP के यहाँ। अब अधिकारियों का यह दायित्व तो है कि वह उस जांच प्रक्रिया को देखें कि विहित प्रक्रिया का पालन इस जांच में किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या आईओ ने सबूत कलेक्ट किया है या नहीं किया है। यदि सही पाता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, एडिशनल SP होते हुए न्यायालय में चला जाता है, और यदि लगेगा कि पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं की गई है तो वह उसे वापस कर देता है कि इन बिंदुओं को फिर से देखें, या फिर विवेचना दूसरे को दे देगा। लेकिन इन लोगों ने हूबहू आगे बढ़ा दिया, एज इट इज मामला आगे बढ़ गया। जज साहब ने देखा पूरा मामला और कहा कि जब सहमति के आधार पर फिजिकल रिलेशन हुआ है, दोनों स्वेच्छा से भगे हैं। जज साहब ने यह भी कहा कि न्यायालय का दायित्व तो है कि वह वादी मुकदमा एवं अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। यह भी कहा कि मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज कराता है, सत्य सत्य अन्वेषण हो और सबूत कलेक्ट किए जाएं, आरोप सिद्ध किया जाए, सबूतों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, यह वादी का मौलिक अधिकार है। दूसरी तरफ एक बड़ी बात न्यायालय ने कहा, न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि यह मौलिक अधिकार जो आरोपी है उसका भी है कि सत्य सत्य अन्वेषण हो और विधि सम्मत तरीके से आईओ विवेचना करे। इस मामले में जो आरोपी है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ क्योंकि विवेचना ठीक ढंग से नहीं की गई। यह मैडम 3 बच्चों की माँ थी तो शादी का झांसा दिया, मैडम को इतना ध्यान नहीं था कि हमारे 3-3 बच्चे हैं, शादी हमारी हिंदू रीति रिवाज के तौर पर हुई है और जो हमारे नियम हैं, विहित नियम हैं, हम तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप चली गई और 3 साल आप साथ में ही रह रही हैं, कई जगह रहीं, गाजियाबाद और मुरादाबाद कहाँ कहाँ रहीं, तो आपको यह ध्यान नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और कह रही हैं कि ज़बरदस्ती किया, बहला फुसला करके ले गया, 3 बच्चों का भी ध्यान आपको नहीं आया कि आपने अपने ही गर्भ से उनको जन्म दिया है, इस तरह से आपने किया। मैडम को फटकार लगाया, जुर्माना भी लगवाया और फिर CO दरोगा और कोतवाल, उप निरीक्षक, निरीक्षक और CO के खिलाफ लिखा उनके उच्चाधिकारियों को कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, यदि इन्होंने विवेचना ढंग से किया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। और जिस तरह से शिवम ने भी गलती किया और उससे अधिक गलती न्यायालय ने महिला का पाया। शिवम शर्मा को बाइज्जत न्यायालय रिहा करता है। ऐसे मामलों में सावधान, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि हम आपको आगाह करें। यदि कोई महिला है, उनके बच्चे हैं, तो कदापि ऐसा न करें, और अगर करती हैं तो विधि सम्मत तरीके से करें, कानून को ध्यान में रखते हुए करें। गलत काम का गलत नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना कैसे कर देखो, और जिसने किया है भैया उसका घर देखो। तो मैडम,
बच्चों को रहने के बाद भी फुर हो जाती हैं और मैडम का मुकदमा खारिज हो जाता है, जुर्माने के साथ खारिज होता है। आईओ का काम आज हमने बताया कि विवेचक का काम क्या है, और विवेचक का काम यह भी है कि विधि सम्मत तरीके से वह विवेचना करे, सारे सबूत इकट्ठा करके यदि मामला सही पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल करे, और यदि मामला मिथ्या अभिकथन के आधार पर दर्ज किया गया है तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाए। लेकिन इस मामले में दरोगा, इंस्पेक्टर और सीईओ ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जिसके वजह से इतना दिन तक मुकदमा चला। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। हमारा यह जो तात्कालिक घटना के आधार पर यह क्राइम न्यूज़ जो हमने दिखाया है, आपको कैसा लगा? यदि ऐसा न्यूज आप चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारा हौसला भी बढ़ाएं, जिससे कि हम और भी अच्छा अच्छा आपके सामने परोस सकें। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।